क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्योदय हो गया, पास में कहीं पानी मिल जाए तो हाथ मुंह धो लेंगे। ठीक है। वो देखो गाड़ी वाले, गाड़ी रोकना जरा। जी साहब। ओ ओ ओ नीमा, वो देखो नदी। ठीक है। सुनिए, ये कितना प्यारा बच्चा है, देखिए, मुझे देख के मुस्कुराता है, हम इसे साथ ले चलें। नीमा, जिसे नहीं चाहिए था वो छोड़कर चले गए, इसका हम क्या करेंगे, इसे यहीं छोड़ देते हैं। सुनिए, इसकी तरफ देखिए, पूनम के चांद जैसा है ये बच्चा, मैं इसे नहीं छोड़ सकी। नीमा, शादी के बाद हम पहली बार अपने घर जा रहे हैं, बच्चा ले जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे, बोलो। कोई कुछ सोचेगा, इसलिए मासूम को छोड़ के चले। नीमा, तुम कुछ भी कहो, बच्चे को साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। देखिए, अपनी दवा से कई लोगों की जान बचाई आपने, इस बच्चे को कैसे छोड़े। जैसी आपकी मर्जी, इसकी किस्मत में जो होना होगा वो होगा। रुको, तुम्हें मना नहीं कर सकता, चलो ले चलते हैं। अल्लाह की मर्जी, जो होना है होगा, चलो। रामानंद स्वामी को मेरा नमस्कार। अष्टानंद, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? एक अद्भुत दृश्य देखा मैंने स्वामी। क्या देखा? आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। मतलब किसी पुण्य आत्मा ने अवतार लिया है धरती पर। सत्य कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। गंगा नदी में एक बच्चा
कमल के पत्तों पर श्री कृष्ण की तरह तैरता हुआ दिखाई दिया। भाग्यवान हो, आज वट सावित्री पूर्णिमा भी है। लेकिन स्वामी, बच्चे को किसी मुसलमान दंपत्ति ने गोद लिया है। पता नहीं, ऊपर वाले ने शायद कुछ ऐसा ही लिखा होगा। उसकी लीला कोई जानता। क्या जमाना आ गया। अरे क्या बताऊं। अरे भाई, ये तो बच्चे को साथ लेकर आ रहा है। क्या भाई, बैठिए नीमा, बैठो। बहुत अच्छे नीरू भैया, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। रास्ते में मिल गया। नाम रखा क्या? नहीं। देर किस बात की, ये है काजी, वो है मुल्ला, उनके हाथ में कुरान है, नाम देख लेते हैं। कबीर कुबरा अकबर, कबीर कुबरा अकबर, कबीर कुबरा अकबर। अरे ये क्या, बच्चे का नाम रखने के लिए देखते हैं तो सब के सब अल्लाह के गुण नजर आते हैं। इंसानों के ऐसे नाम नहीं रखे जाते। मौलवी साहब, आप एक बार देखिए। कबीर रहीम अकबर कबीर कुबरा, बड़े ताज्जुब की बात है, कबीर शब्द ही बार बार क्यों आ रहा है? ये बच्चा जरूर शैतान की औलाद है। अपने अल्लाह के नामों से कभी भी इंसानों को नहीं बुलाया जाता। नीरू भैया, जल्द से जल्द बच्चे को मार दो। खत्म कर दो इसे। नीमा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, बच्चे को दो। नहीं दूंगी, नहीं दे सकती। अच्छा बुरा कुछ न जानने वाले मासूम की जान लोगे। काजी को मना नहीं कर सकते, मौलवी के हुक्म को टाल नहीं सकते। दो, इधर दो। मत मारिए। या अल्लाह। ठहरो। सलाम अलैकुम। आप लोग मुसलमान ही है ना, इस्लाम का मतलब जानते हो? इस्लाम धर्म का मतलब शांति है। इस्लाम को भूलकर इस मासूम बच्चे को मार रहे हो। ये मामूली बच्चा नहीं है। इसलिए इंसानियत को भूल जाओगे तुम। अजीम व शान वाला, रहम व करम वाला वो खुदा तुम्हारे लिए बार बार कबीर नाम क्यों देता है पता नहीं सकता। फिर भी नीरू, इस बच्चे को कबीर कहकर बुलाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ। थोड़ा बड़ा होगा तो मैं ही से पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा बिना कुछ सिखाए इतना सब सीख लिया, तुम्हारे अब्बू को बताते हैं। सुना आपने, आपका बेटा क्या कहता है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? सूरे फातिहा पूरा जुबानी बोलता है। हाँ? कबीर, अब्बू नहीं मान रहे, जरा सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? हवा पानी। हवा? हवा कैसे सिखाएगी? मस्जिद के पास हवा में सब सुनाई देता है। और वो मेरे बच्चे की जुबान पे आ गए। तो बच्चे को हमें हजरत शेख तकी साहब के पास पढ़ाना चाहिए। अभी जल्दी क्या है, एक साल जाने दीजिए। नीरू गोसाई। हाँ? नीरू गोसाई, तुमसे कुछ काम आ पड़ा। आइए पधारिए, पधारिए, बैठिए। कल तुम्हें बताया था ना, उस बीमारी की दवा दो, बेचारे उस रोगी की बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप इतनी दूर क्यों आए? कबीर, मेरी थैली में जो लाल रंग के कपड़े में रखी बूटी है वो लाकर अष्टानंद जी को दो। जी। बच्चे की अभी से आपने शिक्षा चालू करा दी,
तुम्हारी तरह ये भी बड़ा हकीम बनेगा। मेरा बड़प्पन क्या है, नवनाथों में खास तौर से गोरखनाथ के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें नुस्खों में हराने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा नुस्खा नुक्स बिना असर करता है। दीर्घा आयुष्मान भवा। कबीर, खड़े क्यों हो, आओ बैठो, कुछ पूछना है तुम्हें? जी हाँ स्वामी, मंत्र उपदेश क्या है जरा बताएंगे? एक गुरु अपने हाथ के स्पर्श से शिष्य को शक्ति प्रदान कर एक पवित्र मंत्र का उसके कान में उच्चारण करे, यही मंत्र उपदेश है। श्री राम का मंत्र जपो, जपो श्री राम का मंत्र जपो, जपो मंत्र। कौन हो तुम, इस आश्रम में क्यों आए? रामानंद स्वामी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम्हें दर्शन? कहाँ जमीन कहाँ आसमान, वो तुम्हारे जैसे आदमियों को दर्शन नहीं देते। देखते हैं, शायद मंत्र उपदेश भी दे सकते हैं, किसे पता। हाँ, मंत्र उपदेश, सर पे हाथ रख के मंत्र उपदेश देंगे। कबीर, यहाँ क्यों आए हो, आने के लिए मना किया था ना? रोक नहीं सका, रामानंद जी के प्रवचन। वो सब का सब वैसे ही तो तुम्हें सुनाता हूँ मैं, उनके मुख से सुनना चाहता था। जो भगवान दिखाई नहीं देता उसे देखने की इच्छा तो हर भक्त के हृदय में होती है ना? तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। वो बाहर नहीं आएंगे क्या? आएंगे, पूरे दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहाँ स्नान करते हैं? हर बार वहीं पंच गंगा घाट पर। स्वामी, आपके पवित्र चरण स्पर्श से तो मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी। कौन हो वत्स तुम? मैं आपका शिष्य स्वामी, आपका शिष्य बन गया स्वामी। धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया, फिर आऊंगा स्वामी। चाहा गुरु जो तुझको मिला, कबीर खूब है ये भाग्य तेरा, मन चाहा गुरु जो तुझको मिला। बातों का तीर चलाया है यूं, तेरी हर धड़कन को मोह लिया, ऐसा सवारा तुझको दुखों ने, तन मन तेरा तो निखर गया। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है सार्ता। सलाम अलैकुम। कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ठीक है,
सलाम सेठ साहब, छोटी सी गुजारिश। चलो जी। बोलो क्या बात है। माफ करना शेख तकी साहब, एक साल से आपके पास कपड़ा बुन रहे हैं, हम सबको हज ले जाने वाले थे, कब तक और कब तक ऐसे काम करें बताएं साहब। सब्र कीजिए, मक्के का दौरा कोई मजाक है क्या? वक्त मिलना, कश्ती मिलना, कश्ती के मालिकों को पैसा भरने की कोशिश चल रही है, इसीलिए तो अपनी आमदनी में से आधा आपके पास रखाते हैं। आज पैसा जमा करते हैं तो कल के लिए, आप अपने लिए ही करते हैं। तुम्हारा माल बिकते ही दिल्ली शहर जाऊंगा, बादशाह से मुलाकात करके खास सहूलियतें मांगूंगा, उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है। शाबाश शाबाश, इस कविता का मूल आधार क्या है? शुक्रिया आलम बना, भाषा मेरी है लेकिन भाव आपके हैं। आगरा में आपके गाए पर्शियन गीतों के भाव को मैंने गजल के रूप में पेश किया है। अच्छा अच्छा, पर्शियन जबान में जो है उसे हिंदुस्तानी जबान में तर्जुमा करना अच्छी बात है, लेकिन इस मुल्क में दवाओं के ग्रंथ बहुत हैं, उनका भी तर्जुमा होना चाहिए। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। माफ कीजिए आलमपना, जौनपुर से जासूस आया है। अच्छा अच्छा, सब लोग दरबार से बाहर जाएं। हुजूर, जौनपुर में बड़े भाई बारबन शाह बहादुर की सल्तनत कैसी है? ठीक नहीं है आलमपना। भाई साहब की मदद के लिए अफगान बहादुरों को रखा गया था, क्या वो होशियारी से नहीं रहते? वो तो होशियारी से रहते हैं, लेकिन हिंदू जमींदारों के साथ आपके भाई साहब मिलने लगे हैं, उन्हें वहीं कुचल दूंगा। साजिश की कुछ जानकारी है? वो सब आपके उस्ताद शेख तकी साहब ने ले ली है, जल्दी ही आके आपको बताएंगे। आलमपना माफ कीजिए, ये नीच चुप कर आपकी बातें सुन रहा था। ए नमक हराम, देखिए ऊपर कोई बैठा है। पत्थर की पूजा? भगवान के घर में ये पागलपन की बातें? क्यों माँ, इस पत्थर में भगवान है क्या? पत्थर वत्थर कहोगे तो तुम्हें पत्थर बना देंगे, याद रखना। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। पत्थर पूजन छोड़ दे, भगवान मिलेगा ना इनमें तुझे। पत्थर पूजन छोड़ दे, भगवान मिलेगा ना इनमें तुझे। है अगर इनमें देवता तो पर्वतों को ही पूज जा, या पत्थरों की चक्की में पीस के अन्न तू भूखे को देता जा। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। शिवानंद बिहारी जी, मेरी हालत आपको मैंने बताई ना, घर में बहुत तकलीफ है। हमारा कबीर है कि बात नहीं सुनता, काम नहीं करता। दया करके मुझे और 100 दिनार उधार देंगे तो एक महीने में जरूर वापस कर दूंगा, इनकार मत कीजिएगा। वैसे भी तुम्हारा काफी बकाया है, मैं और नहीं दे सकता। नीरू साहब, अपने बेटे को संभाल के रखोगे या फिर हम संभाले उसे? हाँ। उसने क्या गलती की है? क्या गलती की है? मजहब पे मिट्टी डाल रहा है, मस्जिद जाने से मना करता है, भगवान की मूर्ति को पत्थर कहता है। अभी नादान है, उससे मैं बात करूंगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, उसे माफ कर दीजिए। चलो चलो भाई।
कबीर भैया वो लोग जा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। उन्हें देखने का हमें नसीब नहीं है, पर्दे में छुप के चले जा रहे हैं। अरे पर्दा हुआ तो क्या हुआ, पर्दा खोल देंगे भैया, चलो। तुम जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। नमस्कार स्वामी जी। उन्हें देखने की मन में बहुत आशा लेकर आया हूँ यहाँ। निराश मत हो कबीर, रामानंद जी काशी के राजा को आशीर्वाद देने के लिए किले पर गए हैं, वापस आ जाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, मैं ये समझा। तीर्थ यात्रा के लिए वो नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, उनके आने तक हम दोनों यहीं पर रुकेंगे। आप यहीं रहो कबीर भैया, का करी गांव भर के कपड़े गधे पर लाद कर आए हो ना, घाट पर जाकर धोने हैं। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, चलता हूँ। प्रभु महाराज की जय हो, कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूं। रामानंद स्वामी जी राज्य नगरी में आ गए हैं, किले के आराम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। क्या वो स्वयं आ गए? राम राम इति राम। गुरु जी हाँ? महाराज आ रहे हैं। अच्छा है। आपकी शरण में पहुंचा हूं स्वामी, आपकी शरण में। आयुष्मान भव। आपका यहां आना हमारा सौभाग्य है, परंतु आप स्वयं क्यों आए? कबूतर द्वारा संदेश भेज देते तो आपकी शरण में पहुंच जाता। तुमसे कुछ पूछना है इसलिए यहां आया हूं। नहीं, आप पूछिए मत, आज्ञा कीजिए।
देश में हलचल मची है। दूसरे राजाओं का अत्याचार आजकल बहुत बढ़ने लगा है। साधु संतों के लंबे केशों पर कर लगाकर जबरदस्ती वसूला जा रहा है। जी हाँ, केशों पर कर नया नहीं, कर न दे सकने वाली ये प्रजा न जी सकती है न मर सकती है, इसलिए धर्म बदलने लगी है। ये शर्म की बात है। इसका हल क्या है आप ही बताएं। कम से कम काशी राज्य में केश कम करने के लिए तो कुछ। बादशाह सलामत को तुरंत विनती भेज सकता हूँ। शुभम भुजात। मेरे किले में ये पर्दा क्यों स्वामी? आपके सिपाहियों में भी तो काफिर होते होंगे ना? आज्ञा। सूफी सिद्धांत के आने से हमारी किस्मत खुली। आपका कुछ हुक्म हो तो बजा लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम व शान वाला, रहम व करम वाला, उस अल्लाह के नाम पर कह रहा हूं। अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे कुछ शागिर्द हैं। हज पर जाने के लिए मेहनत करते आए हैं। कश्ती के सफर के लिए बादशाह इजाजत दे तो। हज के लिए ना, इसमें एतराज कैसा? बंदरगाह से कश्ती वैसे भी निकलेगी, उसमें तिजारत की चीजें ले जाने के लिए इजाजत हमेशा है। क्या ले जाना चाहते हो? इस मुल्क के बुने कपड़ों की अरबी मुल्क में काफी मांग है जहां पना, इसलिए। तिजारत करना चाहते हो? कोई परेशानी नहीं। खाने के अनाज पर जैसे कर माफ कर दिया है, उसी तरह बुने कपड़ों पर भी निकाल दें तो तिजारत बहुत बढ़ेगा जहां पना, मुल्क की तरक्की भी होगी। ठीक है, आपके बुने कपड़ों पर कर नहीं होगा। शुक्रिया, तो मुझे इजाजत दें। आप हमें नसीहत दिए बिना ही जा रहे हैं। छोटी सी नसीहत है इस पत्र में, देखिए। आपकी नसीहत नहीं भूलेंगे, उसे दिल में छुपा के रखेंगे। दिल में मत रखिए, उस पर अमल कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए। जो हुक्म। जहां पना, माफी चाहता हूँ, काशी राजा ने आपके लिए विज्ञप्ति भेजी है। कहो क्या विज्ञप्ति है। काशी नगर में केश कर खत्म करें या फिर कम करने की आपसे गुजारिश की है जहां पना। खत्म करना नामुमकिन है, कम नहीं करेंगे, उसे दुगना करते हैं। उन काफिरों की यही दवा है, जाओ। जो हुक्म, आपका फरमान भेज दूंगा। रुकिए रुकिए, स्वामी जी को देखना है। जरूरत नहीं है, वो पर्दे से बाहर नहीं आते। कोश, गर्भ कोश ही बड़ा पर्दा है, उससे ही बाहर निकल गए तो संसार से कैसा पर्दा। कौन कौन कह रहा है ये सब? आपका शिष्य हूँ, कबीर दास। मेरा शिष्य? तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। नाम नहीं जानते, लेकिन प्रवचन दिया है। कब? आज सुबह ही, पंचगंगा घाट पर स्वामी। ओह, मेरे चरण के नीचे आया वो तुम्हारा शिष्य था। जी हाँ स्वामी, संसार के सब गुरु अपना हस्त मस्तक पर रखकर अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। आपने चरणों के स्पर्श से मुझे ज्ञानोपदेश दिया। मंत्र ही नहीं, मंत्र प्रयोग का भी आपने ही ज्ञान दिया। आश्चर्य की बात है। आपने कहा राम पूजा से ही मुक्ति मिलती है, गहरे समुन्दर को पार करने के लिए केवल राम नाम की एक कश्ती ही बहुत है। सत्य कहा, अब पर्दा कैसा हटा दो। धन्य हो गया स्वामी। क्षमा कीजिए गुरुजी, वो तो काफिर है। हा? सब उस राम की माया है स्वामी। दीर्घ आयुष्मान भव। मन के पर्दे जिसके साफ हो जाए, उसकी आंखों पे भला पर्दा कैसे हो सकता है। ये तुमने सत्य कहा, अब से तुम यहां अपनी इच्छा से आ जा सकते हो। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। ये का है स्वामी?
स्वामी जी, ये क्या है? सुबह से घूमते घूमते रात हो गई, ये आपके पीछे पीछे चला आ रहा है। आप रुकते ये रुकता है, शंख बजाते ये पुकारता है, आखिर बात क्या है? शंख से इसका जरूर कोई ना कोई संबंध है, है? कोई संदेह नहीं, पूर्व जन्म में ये गधा जरूर साधु या कोई संत रहा होगा। किसी शाप के कारण गधा पैदा हुआ। हे भगवान, हमार गधा पिछले जन्म में साधु संत रही। हाँ, ये संकेश्वर स्वामी थे। संकेश्वर स्वामी थे? हाँ। हम तो बर्बाद हुई गए। अपना मजहब सूद के धंधे को नहीं मानता, लेकिन आप वही कर रहे हैं। मतलब मैं सूद का धंधा करता हूँ ऐसा सोचते हो तुम? सूद मतलब सूद नहीं, कम पैसे देकर हमसे ज्यादा काम लेते हैं। तुम लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे, फिर आज ऐसे ख्याल आए कहां से तुम्हें? गुरुवे नमः। क्या बात है, जबान बदल गई? तो क्या हुआ, भाव तो एक है ना? हाँ, वो तो ठीक है, बुनकर का काम तो याद है ना? बुनकर का काम ही नहीं, आपकी सारी नीतियां भी याद है मुझे। क्या इसीलिए उन काफिरों से मिलकर बाजार में नाच रहे हो तुम? खुदा जान, ऊपर वाले की कृपा हो तो कोई भी धर्म हो, एक ही बात है। अच्छा अच्छा, तुम मुझे भी नसीहत देने के लायक हो गए। बोलो, किस काम से आए हो? इनकी मेहनत की कमाई आप दबा रहे हैं, जो देते हैं उससे तीन गुना ज्यादा भी देंगे तो कम है। सही है, इन्हें चार गुना भी देता, अब जो नहीं देता हूँ वो मजहब के लिए बचाता हूँ, मक्के के सफर के लिए जमा करता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ? अल्लाह जब सब जगह है तो फिर मक्का जाने की क्या जरूरत? दुष्ट काफिर हज का मजाक उड़ाता है, कल नमाज का भी मजाक उड़ाएगा शायद। उन काफिरों का असर बहुत चढ़ गया तुझ पर। ठीक, सूरत मत दिखा अपनी। ठीक है, नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इनका क्या? तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत है। लो भाई लो। राम कहो या रहीम कहो, मतलब दोनों का एक है। से तू मांगे क्यों, विग्रह से तू मांगे? ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे क्यों, विग्रह से तू मांगे क्यों, विग्रह से तू मांगे? सेरा मानवता को जान ले तू, वाणी कबीर की मान ले तू, मानवता को जान ले तू, वाणी कबीर की मान ले तू। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे
छाई, झूठ का दामन छोड़ भी दे तू, अपना ले अब सच का रसता, झूठ का दामन छोड़ भी दे तू, अपना ले अब सच का रसता। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे क्यों, विग्रह से तू मांगे क्यों, विग्रह से तू मांगे। राम 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 राम। रोग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब तो मेरी जान पे बनाएगी। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, लोग आपको भगवान मानते हैं। एक तो मुसलमान ऊपर से राम नाम जपता है, बहुत बुरे दिन आ गए भैया। किसी काफिर की सूरत तक नहीं देखने का प्रण लेने वाले अपने गुरुजी पर्दे तक हटवा दिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब कोई भी काफिर इस आश्रम में कभी भी आ सकता है। अरे रुको 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 रुको, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आया हूँ। दर्शन? आश्रम में तो आ सकते हो, लेकिन अंदर कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है तुम्हें। और तो और, गुरुजी पूजा में हैं। अरे पता चले तभी तो आए हैं, क्यों कबीर भैया, जब यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाने में कहा है। अरे रुको रुको रुको, हम कछुई तो नहाना पड़ी। हाँ गुरुजी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए तो आया हूँ। गुरुदेव गुरुदेव, आपकी पूजा सामग्री में एक चीज की कमी है। कबीर जी। हाँ गुरुदेव। कमी है? क्या कमी है? तुलसी के पत्ते। हाँ हाँ, सत्य कहा। मैं लेकर आया हूँ गुरुदेव, क्या अंदर आ सकता हूँ? मत लीजिए गुरुजी, मैं लेकर आता हूँ। उस काफिर के हाथ से आप तुलसी के पत्ते लेंगे क्या? तुलसी के पत्तों एवं गंगा जल में कैसी अपवित्रता। कबीर तुम अंदर आ सकते हो। गुरुदेव मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ तुच्छ जाति का एक आदमी भी है। मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए, किसी भी जाति का होने दो, कोई भी आ सकता है। गुरुदेव बैठो बैठो बैठो। कबीर हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव मुझे एक छोटा सा संदेह है। क्या है वो? मन में भक्ति होनी चाहिए, मूर्ति पूजा जरूरी है क्या? भक्ति परम चरण तक पहुंच जाए तो मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं, नाम स्मरण ही बहुत है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पूजा में बाधा डाल रहा हूं। बाधा कोई नहीं है, अब किसी पूजा की आवश्यकता नहीं। कहो। राज्य नगरी से समाचार आया है, महाराज को नासूर हुआ है। सुना है कि राजवैद्य से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। नासूर है का? अरे हमार कबीर भैया का हाथ लगी तो पल में ठीक हो जाए। नंदू, जिस बात से हमें मतलब नहीं उसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्षमा कीजिए गुरुदेव। जिस बात की जानकारी हो उसे बताने में क्या गलत है? तुम्हें इलाज आता है क्या? जी थोड़ा बहुत, मेरे पिताजी महान गोसाई हकीम हैं, उन्होंने सिद्धि द्वारा नवनाथ द्वारा बहुत से नुस्खे सीख लिए, बचपन में मुझे भी सिखाया इसीलिए। तो ऐसा करो, मेरे साथ राज्य नगरी चलो, उनका इलाज कर देना। मैं और राज्य नगरी? नीमा, नीमा। जी अभी आई। थोड़ा पानी लाना। इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं, दवा ले सकते हैं ना? ले लूंगा। कौन सी बूटी है बताइए, मैं निकाल कर देती हूँ। जरूरत वाली बूटी
उसमें नहीं है, जंगल में मिलेगी। बेटा आएगा तो ले आएगा। उसे घर याद रहे तो ना, पता नहीं कब आएगा। वक्त आएगा तो वो भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नासूर नहीं है, लेकिन इस पर दुर्लभ दवा लगानी पड़ेगी जो हर जगह नहीं मिलती। मैं जाकर लाता हूं। जल्दी जाकर ले आओ। कबीर अभी तक नहीं आया। परेशान मत होइए, कबीर जरूर आएगा। काजी साहब जी, आप जाकर बुला लाइए। ठीक है। जरूरत नहीं, वो खुद आएगा। कबीर बूटी ले आया है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्या एक लेप काफी है? काफी है, चलता हूं। आप सवारी पर घर जाइए। अभी घर नहीं, ये जहरों का जहर है। इसका नाम अमृत कंजी है, जानलेवा बीमारी की बड़ी कीमती दवा। इसे जानलेवा परिस्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जहरों का भी जहर है। कभी इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो बीमार को दवा सिर्फ आधी लगानी चाहिए, दूसरी आधी दवा जलाकर भस्म कर गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। पिताजी ने कुछ सावधानियां बरतने को कहा था, चलता हूं। अबाजान, 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 क्या हुआ? ये क्या हाल हो गया? कहीं ये रोग? वही वही रोग। अबाजान, अबाजान, लाखों में एक को होने वाला ये जानलेवा रोग काशी के राजा को हुआ था। मैंने बूटी लाकर उनका इलाज करके बाकी बूटी जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अबाजान, अच्छा काम किया कबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाजान, मैं जंगल से जाकर बूटी लाता हूँ। अबाजान, अबाजान। अरे अरे, क्या ये, पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, हो गया हूँ। उस कबीर ने आकर सब सत्यानाश कर दिया है। ना पूजा है, ना पुण्य है, ना भोग है, ना प्रसाद है। हाँ, अपने गुरुजी पूरी तरह बदल गए हैं। काफिरों को धर्म की रहस्यपूर्ण बातें बताने लगे हैं। इससे पहले कि आश्रम का और सत्यानाश हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रस्थान करो। तुम्हारे जैसे शिष्य जितना जल्दी जाए उतना ही अच्छा। बातों में आदर्शता दिखाते हो और काम में कुटिलता। तुम कैसे वैष्णवी हो? हम वैष्णव थोड़ी है, वो तो कबीर है। हाँ, उस कबीर को लाने वाले भी तो यही भ्रष्टानंद है, मतलब है अष्टानंद। हाँ? कबीर के बारे में तुम क्या जानो? भविष्य में उनकी पूजा होगी, ऐसे महान मानव हैं। उनके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अष्टानंद, कबीर क्यों नहीं आया? तुम्हें उसके घर का पता है ना? चलो होकर आते हैं। मां को पालने के लिए जुलाहे का काम कर रहा है। मतलब हमारा इस समय जाना अच्छा नहीं होगा। पधारिए, पधारिए। सिंहासन ग्रहण कीजिए। मैं बैठूं? जी हाँ, मैंने आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया था, परंतु आपने ठुकरा दिया।
कम से कम आधा सिंहासन तो ग्रहण कीजिए। राज नर्तकी, नृत्य शुरू किया जाए। रस और आनंद लेने का यह सही समय नहीं है। किले पर आपने बुलाया, मैं आ गया, अब चलता हूं। मुझे दो धोती दीजिए। अरे रे रे रे, अभी खत्म हो गए? ऐसा मत कहिए, शादी है, कहीं से भी दिलवाइए। दो दिन का समय मिल जाए तो मैं बनवा दूंगा। देखिए, कुछ भी कीजिए, बहुत जरूरी है। ये तो मुसीबत आ गई। ओ भाई, इधर आना, जरा इधर आना, जरा हटना भाई, जरा इधर आना, इधर रखो, दिखाना जरा, इन्हें चाहिए। ये कपड़ा ठीक नहीं लगता। कितने में दोगे? 5 आने। इसे 3 आने में दोगे? नहीं दूंगा। तो अपने पास रखो। धर्मराज जी, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। देखने में तो बड़े भोले लगते हो, कैसे जियोगे? व्यापार के तो लक्षण ही नहीं है तुम में। क्यों? व्यापार मेरे पिताजी देखते थे, मेरे लिए पहली बार है। ठीक है ठीक है, इधर दो, मैं बेचता हूँ, तुम उधर बैठो। नमस्कार धर्मदास जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। बस दो धोती चाहिए। अच्छा तो देखिए। खास नहीं है। खास नहीं है। कमाल करते हैं। शेख शफी का नाम सुना है? सुना है। गुले खान का नाम सुना है? सुना है। मीरू साहब का नाम सुना है? हाँ सुना है। जमाल उद्दीन का नाम सुना है? सुना है। दुनिया के सबसे महान जुलाए हैं, विश्वास कीजिए, उनकी कारीगरी इसमें दिखाई देती है। दोगे कितने में? इसके उत्तम गुण जानने वाले आपको मैं क्या बोलूं, आप ही एक दाम तय करके हमें बता दीजिए। 6 आने दूंगा। 6 आने? ठीक है, 7 आने दूंगा। अरे भाई, ये तो मेहनत के भी पैसे नहीं है। धर्मदास जी, आखिरी बार कहता हूँ, मैं 10 आने दूंगा बस। ओ भाई, आखिरी भाव बताता हूँ, वो भी तुम पुराने खरीदार हो इसलिए। अच्छा चलो 12 आने दो, कोई दूसरा होता तो 15 आने से कम में नहीं देता। हाँ जरूरत है भाई, दीजिए। चलता हूँ। ठीक है ठीक है, फिर आइएगा। मैं बताता हूँ तो सच भी नहीं मानते, झूठ को मानती है ये दुनिया। सच के आगे झूठी चमक में आंखें चौंधिया गई। सुन भाई साधो, कबीर की वाणी। कबीर की वाणी। भाई तुम कबीर हो? मेरा नाम धर्मदास है। आपके पिताजी हमें अच्छी तरह जानते थे, आप ये नहीं बेच सकते। कपड़े बुनने के बाद मेरे पास ले आना, मैं बेच दूंगा। अच्छी बात है। ये लो तुम्हारा दाम, 5 आने। ठीक है ना? ठीक है, चलता हूं। रुको रुको, ऊपर से आए 7 आने भी ले लो। मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। धन्यवाद। मैं क्यों रखूं? तुम्हारे नाम से दान धर्म कर दूंगा। अरे फिर काहे रुक गए स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, काहे मुसीबत खड़ी करत रही, घर जाइए ना, हमें घाट पर जाना है, देर हो रही है। स्वामी जी घर जाइए ना। क्यों रे नंदू, गधे को लाड़ प्यार कर रहा है क्या? अरे का बताए पंडित जी, इस संकेश्वर स्वामी तो हमार जान के पीछे पड़ गए हैं। जब से पता चला है कि पिछले जन्म में स्वामी थे, हम तो इन पर हाथ भी नहीं उठा सकत रही। और तो और, ये हमार बात भी नहीं सुना। तभी लगता है आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, आप जाइए, अब हम क्या करें? धत तेरी की। स्वामी जी खाइए। अरे खाइए, अरे हमको खा लीजिए। सेठ जी कहाँ है बहन? ये लीजिए सेठ जी, ये वस्त्र लेके मुझे 5 आने दिला दीजिए, जंगल जाना है, बहुत काम है, जल्दी कीजिए ना। बहुत खूब, कपड़े मुझे देने के लिए कहा था, लेकिन घर आने के लिए नहीं, और वो भी पूजा करते समय। पूजा? तो इन मूर्तियों में है आपके भगवान? पाव शेर? ओहो, आधा शेर? और ये 1.5 शेर?
सेठ जी, वजन के हिसाब से भगवान का मूल्य बढ़ता है क्या? वजन कम तो मूल्य भी कम। अरे मूर्ख, बिना पूछे अंदर आ गया, साथ में बैठ गया, पवित्र भगवानों को छू लिया, सबके सबको मैला कर दिया तुमने। मेरे छूने से जो मैले हो जाए वो भगवान भगवान ही क्या। राम मन में रहता है, ना कि मंदिर में। हर मानव में रहता है, ना कि मिट्टी की मूरत में। मन में रहते हैं तो क्या मंदिर में नहीं है? जो मंदिर में है वो भी मिट्टी की मूरत है। पगला कहीं का, राम राम कह के इस मर्यादा पुरुष को मूर्ति कहने, मिट्टी की मूर्ति कहने, पत्थर की मूर्ति कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जैसा आचरण वैसी भाषा। मेरे राम का ना आरंभ है ना अंत, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, निरंकारी है, निरंजन है। तो उन्हें पूजने का मार्ग? जैसे ही पता चलेगा आपको बताऊंगा। इस वस्त्र को लेकर मुझे पैसे दीजिए। अमृता, इधर दीजिए। जब वेद जानते हो तो पैसे किस लिए? मेरी माँ है, घर है, घर आने वाले साधु संत हैं, उनका पोषण करना मेरा कर्तव्य है ना बहन? हाँ हाँ। अच्छा, सुनिए, इन मूर्तियों को फिर से धो के रखूं क्या? अब जरूरत नहीं है। इनमें अगर महिमा है तो वे मैले नहीं होंगे। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आचरण का महत्व नहीं है। सही पाठ पढ़ाया। भोजन कभी अछूत नहीं होता। तुम कहते हो भोजन पर ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए कोई भी दे तो खा सकते हैं हम। ऐसा मैं नहीं कहता, उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति कजानात कहा गया है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, आना देवा कल्ती मानी भूतानी जायंती, आने ना जातानी जीवंती। बहुत अच्छा कहा तुमने कबीर। आज तुम्हारे बारे में फैसला इधर या उधर हो जाना चाहिए। मेरा फैसला क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हैं फरमाइए जरा। तुम्हारा इस तरह रोज काफिरों के साथ बैठ के बकवास करना अच्छी बात नहीं है। आप बैठेंगे तो आपके साथ भी बकवास करूंगा। बैठने नहीं आया हूं मैं। तुम्हें अजान सुनाई नहीं देती? बिल्कुल सुनाई देती है। सुनाई देती है तो मस्जिद क्यों नहीं आते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आपने तो कुरान शरीफ अच्छी तरह पढ़ी है। आपको मैं बताता हूं कि नमाज चलते हुए, सवारी करते हुए भी पढ़ी जा सकती है। उसी पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। मौलवी जी, मैं फातिहा जैसा करना चाहिए वैसे ही कर रहा हूं। और तो और मौलवी जी, आप जो नहीं करनी चाहिए वो गलतियां भी करके मस्जिद के ऊपर से गला फाड़ के चीखते हैं। बिना आत्मशुद्धि के वो चीख अल्लाह सुनता है क्या? बदमाश, मुंह बंद कर। कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, जकात, कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। रमजान शरीफ आने वाला है, तुम्हें रोज रोजा रखना होगा। मौलवी साहब, मैं आपकी तरह रोजा नहीं रखता। रमजान के महीने में दिन भर भूखे सड़ते हो, अंधेरा होते ही पेट की आग बुझाने बैठ जाते हो। बोलो ठीक है? जीव हिंसा करना किसी भी धर्म में नहीं है। तुम्हें ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तुम्हें कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो चलो यहाँ से। अच्छी चिंगारी लगाई तुमने। उस धर्म की कमजोरियां तुम्हें अच्छी तरह पता है। हर धर्म में अच्छा बुरा होता है। तुम्हारे धर्म की कमजोरियों का क्या तुम पालन नहीं करते हो? हैं? क्या क्या कहा? सही कह रहा हूं भाई। वो लोग एक महीना हर रोज पूरा दिन उपवास रखते हैं। आप लोग साल में 24 एकादशी के व्रत रखते हैं। वो लोग रात होते ही पेट फटने तक खाते हैं। और आप लोग द्वादशी के दिन 3 दिन का भोजन गला भरने तक खाते हैं। और पिंडदान के बाद इंसान की 13वीं में जो व्यंजन बनते हैं वो तुम्हारे धर्मशास्त्र में तो लिखा है। अब जान? जाना पड़ेगा बेटी, मेरे उस्ताद का बुलावा आया है। लेकिन मुझे जाने से पहले तुम्हारी शादी के बारे में एक बात कहनी है बेटी। बोलिए अब्बाजान, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या?
उस अल्लाह की मर्जी से तेरा शौहर तेरे पास आएगा। अब्बाजान, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उसका नाम कबीर दास है, राम भक्त है, सर की पगड़ी में मोर का पंख होगा, निरंतर राम नाम जपता रहेगा। बेटी, वही तेरा शौहर बनेगा। चलता हूँ बेटी। अब्बाजान, घबराओ मत लोई, अल्लाह की यही मर्जी है। चलता हूँ बेटी। ये लोग भी यहाँ आ गए। अरे ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। चलो सब मिलकर उसका हाथ ना करेंगे। चलो। आहा, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। भाई भाई की तरह मिलकर तुम लोग आए हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान को पत्थर कहता है? इसका दिमाग सातवें आसमान पर है, काजी मौलवी की भी परवाह नहीं करता। राम की महिमा है। उससे बात करना बेकार है। मारो इसको। पगड़ी पे मोर का पंख होगा, निरंतर राम नाम जपता रहेगा, राम भक्त है, उसका नाम कबीर दास। Thank you.
इतना मैं प्यार करूं। राम राम राम। कबीरदास है ना, मेरे अब्बा जान ने आप ही के बारे में बताया था, आपको देखते ही समझ गई मैं। बस आपकी हाँ सुनने के इंतजार में हूँ। मेरा जीवन मेरे राम को समर्पित है। मेरा जीवन तो कबीर को समर्पित है। मेरा जीवन कांटों का रास्ता है। आपके साथ चलूंगी तो कांटों का रास्ता फूलों का हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मना मत कीजिए। मैं धन्य हो गई, वो मेरी कुटिया है। आइए चलते हैं। यही हमारा घर है, चलो। अम्मीजान अम्मीजान। बेटा कबीर, कब का गया आज आया है, कहाँ गया था? कहीं भी रहूं, उस दिन अकेला गया, लेकिन आज आपकी बहू को लेकर जोड़ी में आया हूँ। मेरी अम्मी। आदाब। आदाब। अम्मी, इसका इस दुनिया में कोई नहीं, आज से सब कुछ आप ही हैं। मतलब अपनी ही बच्ची है जी। आंख कान सब ठीक ठाक है, काम काज कुछ आता है? अपना व्यवसाय जानती है ना? सिखाना कौन सी बड़ी बात है, मैं ही सिखाऊंगा। मियां बीवी मिलजुल के काम करोगे तो खाने की मुसीबत नहीं होगी। तुम्हारा नाम क्या है? लोई। आहा, तो रतन कंबल हो। मेरे बेटे को सर्दी का गम नहीं होगा, लेकिन इस घर में भूख का गम ना हो ध्यान रखना बेटी, ये कभी बीना पर नहीं बैठता। मत घबराओ अम्मी, घर में बहू आ गई है ना, देखते रहना, बीना पर ही बैठा रहूंगा। लोई, ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है इसे। यहाँ कैसे आए? नंदू है, ये गांव के पीछे पड़ा है। गधा है या क्या है जो इतने महंगे कपड़ों पर बैठा दिया है? क्या मैं बोलूं? आजकल मेरे नंदू प्यारे को भक्ति ज्यादा हो गई है, इस गधे को मस्त खिलाकर रोज रोज पूछता है। तो क्या तुम्हें नहीं देखता? उसकी वही दुनिया है, मुझे क्या देखेगा वो। पता चला, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। उसे सही रास्ते पर लाने का तरीका तुझे बताने आए हैं। तो बताइए ना। पति को गधे के साथ छोड़ोगी तो वो नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा? ओ रत्ना, रो मत रो मत। उसे रास्ते पे लाना है तो उसके आते ही उसे अपनी तरफ ऐसे खींच पास लेना।
अरे हमका काहे नमस्कार करते रहे? उस स्वामी की दया से एक दिन हम बड़ा आदमी बन जाऊं ये देखन की खातिर हम ही पहनत रहे। हमका स्वामी से दांत तो नहीं खिलवाओगे ना? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। का हो आसन का पढ़ाई खत्म हुई गवा का जो यहाँ पढ़ाने आए हो? का हो स्वामी, आज हमार झुपड़िया तक आ गए, हमार घरस्थी में आग लगाओगे का? और कुछ नहीं नंदू, तुम इस गधे स्वामी के पीछे लगे हो ना, इसीलिए तो हम दोनों इसे भक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। गधा गधा, एक बार फिर कहा तो तुहार जबान निकाल देंगे। वो संकेश्वर स्वामी है समझे, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। वो तुम्हारी तरह झोपड़ियों के आस पास घूम कर गलत काम नहीं करत रही, फिर यहाँ दिखाई दिए तो खाल निकाल देंगे, घाट पर धोंगे। निकलो यहाँ से। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए ना। देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार बड़ा हो गया है, आपको ये भजन छोड़ना होगा, जिम्मेदारियां उठानी होंगी। अपनी हैसियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। सासू जी भी काम नहीं कर पा रही हैं, मैं अकेली कितना काम करूं, हमारा ही गुजारा नहीं हो रहा है, उधार देने वाले भी कम हो गए हैं। इसलिए? इसलिए उन बेकार सन्यासियों को भोजन पर मत बुलाइए। जी हाँ, आज से इस लंगर पर विराम लगाइए। हे महात्मा, साधारण मानव को मुक्ति कब मिलती है? पानी के समंदर में आग लगने पर। पानी के समंदर में आग लगनी चाहिए? आ हा 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 हा। सागर से मिलने वाली हर नदी जल के राख होनी चाहिए। नदी जल कर राख होनी चाहिए, वाह 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 वाह। मछली पेड़ पर चढ़ेगी? जरूर चढ़ेगी। तब ये कबीर जिसे देखना है उसे खुली आंखों से देख पाएगा। आहा आहा, कितना अच्छा कहा आपने महात्मा। थोड़ा खुलकर बताइए। गुरुओं के बताए गए गुप्त ज्ञान को विस्तार से बताता हूं। पानी का समंदर मतलब ये शरीर, आग मतलब ज्ञान, नदियां मतलब इंद्रियां, मछली मतलब आत्मा, पेड़ मतलब परमात्मा। शरीर ज्ञान की अग्नि में लुप्त हो जाए तो इंद्रियां निष्क्रिय होकर आत्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है। अद्भुत है, ये ज्ञान अमृत है। इस अमृत वर्षा से पेट भर गया भाई। तुम्हारा पेट भले ही भर गया हो लेकिन मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, भिक्षा ढूंढनी पड़ेगी। महानुभावों, आप लोगों को अगर कोई एतराज न हो तो मेरे अतिथि बने आज, ठीक है? कहानियां, सिर्फ कहानियां। मछली पेड़ पर चढ़ेगी, पेड़ पर, मैं भी कहानियां सुनाऊंगी। मछली पेड़ चढ़ना क्या है बहू? क्या है जाकर अपने बेटे से पूछो, वो बेकार सन्यासियों को प्रवचन कर रहे, प्रवचन। मछली पेड़ चढ़े तो क्या, ये गृहस्थी चल पड़े बहुत है। चल पड़ी गृहस्थी। अम्मी अम्मी, क्या है कहो? कमली को बहुत भूख लगी है अम्मी। भैया को भी भूख लगी है अम्मी। अल्लाह, बेटा भूख लगी है? तुम्हारे लिए यह अनाज उधार लाई हूँ, खाना बना के बुलाती हूँ, तब तक उस मटके में पानी है उसे पी लो। लोई, साधु संतों को
भोजन के लिए कहा है, उसका प्रबंध करो। बुलाइए, आप बुलाइए, वो आएंगे। मुफ्त भोजनालय नहीं, घर है ये। घर में कुछ नहीं, जाने के लिए कहिए। वो बेचारे। बेचारे? गांव में सभी से आपको सहानुभूति है, लेकिन अपने बच्चों से नहीं है। आज 2 दिन हो गए बच्चों ने चावल का पानी तक नहीं पिया है। मैं उन बेकार सन्यासियों के लिए कहां से खाना बनाकर खिलाऊं? पेड़ पर चढ़ी मछली ले आइए, वही पका दूंगी। ऐसा नहीं है लोई, बुरा लगेगा। नहीं, बुरा लगेगा? ये बातें मैं आपसे उसी दिन कह देती तो अच्छा होता। आज मेरे बच्चे इस तरह भूख से तिल मिलाते तो नहीं। आप कहती हो सुन लो, उनसे आप क्या कहेंगे मैं नहीं जानती। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लोही, लोही। क्या है? यही, यही हंसी। हंस के सब भुला बैठने की आपको आदत सी हो गई है। क्या आप कभी बीने पर बैठे? दिन भर में क्या आपने एक बीड़ा भी बुना है? गीले गीले बीज भी सूख गए, कांटे टूट कर रेशे निकल गए। मैं अपने बच्चों को भूखा सुलाती रही हूँ। मुझसे घर नहीं चलेगा, मुझसे घर नहीं चलेगा। अरे नहीं चलाओगी तो क्या करोगी? मेरा रास्ता मैं देख लूंगी। ठीक है तो चली जाती हूँ। यहाँ सन्यासियों की चाकरी करने से तो अच्छा है कहीं बाहर करूँ, कम से कम मेरे बच्चों को एक बार की रोटी तो मिलेगी। अभी चली जाती हूँ। किधर? मरने। हम मुसलमानों में वैसे भी दूसरी शादी और तलाक होता है। मन को मार के ये बंधन तोड़ लो बस। लोई? हाँ, तलाक तलाक सिर्फ 3 बार कहो तो ये बंधन टूट जाएगा। कम से कम मेरे बच्चे तो सुखी होंगे। सुख मिलेगा सोचती हो तो कहकर देखो। डराइए मत, बोलूंगी, बोल के रहूंगी। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। तलाक, तलाक, तलाक। मटका टूट गया। पता नहीं वो कुम्हार अब कौन सा नया पात्र बनाएगा। ओह, हम ठहरे बेवकूफ गधे। गलती हो गई स्वामी जी। अनजाने में पाप हुई गवा, क्षमा कर दीजिए। का स्वामी जी उदास लगत रही, फल आहार नहीं मिला का? ए, ए रते। आ रही हूँ। इधर आओ। क्या है? इन्हें फल आहार दिया के नहीं? फल आहार क्यों? तुम पागल हो गए हो तो क्या मैं भी पागल हूँ? हरी घास लाके दी तब भी नहीं खाई इस गधे ने, गधा कहीं का। ए, ये गधे होते तो घास खाते। स्वामी जी हैं, वो पुजारी के घर से जो फल आहार आया था वो लाओ। हाँ? जाओ। आ रहा स्वामी जी, आ रहा, तनिक सबर कीजिए। हाँ लाओ। ये लो। लो स्वामी जी, खाइए। खाओ खाओ खाओ, हमारे बाप, खा लीजिए, खा लीजिए। कौनो कौनो जल्दी ना, खा लीजिए आराम से। हाँ हाँ, आराम से। सुनो जी। हा? सुनो ना। क्या है? शाम को आते समय हा? चमेली के फूल हा? लेते आना है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। स्वामी के सामने काहे नखरे करत हो? श्राप दे देंगे हमका। लीजिए स्वामी जी, बस हुई गवा, पेट भर गया। लीजिए, अंदर रख दीजिए, वो गठरी हमारे पीठ पर रख दो। उठाओ, चलो आओ। स्वामी जी के गले में रस्सी का है, निकालिए ऐसे। चल जा। आ स्वामी जी। कबीर भैया, ओ कबीर भैया, आप हमेशा प्रेम प्रेम करत रही, ये प्रेम का है हमें जरा खुलकर बताइए ना। खेतों में पैदा ना होता प्रेम, ना बिकती कहीं इसकी खुशबू। खेतों में पैदा ना होता प्रेम, ना बिकती कहीं इसकी खुशबू। आत्मा अर्पण बिना राजा या रंक भी क्या पाएगा दर्शन प्रेम का। सुन ले कबीर वार्ता, सुन ले कबीर वार्ता।
शरीर ऐसे शरीर को समझे स्मशान हम प्रेम बिना तो शरीर को ऐसे शरीर को समझे स्मशान हम जैसे प्राणहीन एक बुत हो कोई पड़ा रहे गाये बेदम सुन ले कबीर वार्ता ये ही जीवन को है सवारता निवाला ले बेटी खा ले बेटी पता नहीं कितनी भूखी है कमाली उठ अम्मी इनकी झूठन खाएगी तू अम्मी अम्मी भूख लगी है अम्मी हे पंडित के बच्चे इधर मिठाई खाएगा हाँ ये ले दो मिठाई एक तू खाना एक उस बच्ची को देना कहना उसका नया बजान आने वाला है कहेगा ना दूंगा समझा चल जा कमली कमली तेरे नए अब्बा जान आने वाला है ना ये ले मिठाई तेरे नए अब्बा जान ने दी है अम्मी जान हमारे नए अब्बा जान आने वाले हैं कमाली ऐसा नहीं बोलते अरे चल लोई बुलबुल दुनिया का मुंह बंद कर सकोगी तलाक देने के बाद फिर से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है तुम मुझसे निकाह कर लो तुम्हें मैं अपनी रानी बना के रखूंगा क्या कहती हो या मेरे खुदा अली तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मेरे पास मत आओ अरे पगली चल बेटा चल मेरी चार बीवियों से घबरा गई क्या एक को तलाक दे दिया है तुम हाँ कहो तो सभी को तलाक दे दूंगा मैं कीड़े पड़े इसके मुंह में छोड़ दे मुझे अम्मी जान, ये सब तकलीफें हमें क्यों? वापस अपने घर चलते हैं। अब हमारा कोई घर नहीं है बेटा। अम्मी, अब्बू को देखना चाहती हूँ। हे भगवान, ये देखो, इतने मेहनत से आज मैंने कपड़े धोए, गधे के नीचे लिए पूछेगा तो क्या? अरे ठीक है, डांट खा लेंगे। स्वामी जी से ज्यादा थोड़ी है। स्वामी जी आप बुरा मत मानिए, हाँ ये अज्ञानी है। नंदू भैया, हमारे रिश्तेदार आए हैं, आप सो जाइए स्वामी जी, हाँ सो जाइए। अरे का भौजी इतनी रात गए आप यहाँ? नंदू भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। एतराज कैसा होगा भौजी, हमार घर तो मैले कपड़ों से भरा हुआ है, ई बास हमसे ही नहीं सही जात। इंसान के मन से ज्यादा मैला तो नहीं है ना भैया, मैं इस बरामदे में सो जाऊंगी। बरामदे में क्यों भाभी, आप और बच्चे अंदर जाके सो जाइए, ये और मैं बरामदे में सो जाएंगे। तुम्हें तकलीफ होगी बहन, यूं भी बच्चे सो गए हैं, उनके साथ मैं भी सो जाऊंगी। बेचारे आते ही सोई गवा, इन्होंने कुछ खाया है का नहीं भाऊजी? इके खाने के लिए कछु है? सुबह का खाना है। चल लाओ, उलाओ। आओ भाऊजी, आओ। तुम्हारी और ये हालत, मेरे घर में बड़े गद्देदार पलंग है, रेशम के कंबल भी हैं, आराम से सोएंगे, चल भैया, नंदू भैया, चल, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चल।
इसे मेरी हवेली में लेकर जाओ। अरे कुत्ते, छोड़ो, छोड़ो मुझे। सुअर के बच्चों, तुम्हें किसने भेजा है? खान साहब। अरे खान के बच्चे इधर आ। क्या कर रहा था? गलती, एक औरत ने हाथ डालता है, फिर कभी ऐसा किया तो तेरी चमड़ी उजड़ के पैर की चढ़ान बना लूंगा, समझा? माफ कीजिए। चला गया। भाई साहब, तू कौन है रे? शुक्रिया, आपने हमार भौजी को बचा लिया। अब बस कर, उस बदमाश की बुरी नजर को पहचान लिया था, इसीलिए वक्त पे आके बचा लिया, नहीं तो तेरा क्या होता। इसीलिए कहता हूं मुझसे निकाह कर लो। नहीं ठीक है। अच्छी तरह सोच लो बुलबुल, जल्दी नहीं है, फिर मिलूंगा। रो मत भाभी, रो मत भाभी। अरे हमारे इलाके में एक औरत पर अत्याचार नहीं रोक सके तो काहे उगायूं ही है मुझे तुम मर्दाने? हाँ निकाल दो, घर जाके चुड़िया पहन लो, निकलो यहाँ से। हाँ। रोइए मत भौजी, अब काहे का रोना? घर छोड़ने से पहले कछु एक बार सोच लेती तो ये परेशानी ना होती। हाँ भाभी, मैं जो कहती हूँ वो सुनो, पति जैसा भी हो पति ही होता है ये समझ लो। इसीलिए कहती हूँ सर पे छत ना हो तो लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ, अब जो दुख आप यहाँ सह रही हैं, घर का दुख क्या इससे ज्यादा था भौजी? कबीर अब हंसना बंद करो, बस्ती वाले सब शिकायत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वो बेकार सन्यासी जमा होते हैं, उनके रोज के कामों में रुकावट आती है, हमें बस्ती छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चले जाएंगे। क्या कहा, चले जाएंगे? पुराने पुरखों के मकान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे अम्मी, हमारे दादा परदादा जहाँ गए हैं सबको वहीं जाना होगा, कोई नहीं बचेगा। बंद कर अपनी बकवास, भक्ति मुक्ति के चक्कर में पड़कर अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हो। अगर तुम घर गृहस्थी निभाते तो लोग जाने के लिए क्यों कहते? बेटी लोई, अमीचान, हाली, बच्चे कहाँ हैं? अंदर है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। झगड़ कर बाहर निकली तो इतने दिन बेघर पंछी की तरह घूमती रही, सबने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की, मुझे पता चला आपका चुना रास्ता ही सही रास्ता है। मेहरबानी करके मुझे आपके पैरों में, आपके घर में रहने का आसरा दीजिए, आसरा दीजिए। पंछी दिन भर कहीं भी घूमे, शाम को घर ही लौट कर आते हैं। प्रेम का दीपक हो जिसके मन में, उसी दीपक से जले ज्योति, हर बूंद को भी सीप ना स्वीकारे, लाखों संकेश्वर स्वामी, ये हमारे साथ का अन्याय कर दिया, किस गांव वाले ने आपका मारा है? फिर कहां गधा बन के आओगे, हमका कैसा पता चलेगा स्वामी? अब हम का करूं है भगवान? अजी सुनिए, बस भी कीजिए, गधा मरा है तो रोते क्यों हो? मैं तो नहीं मरी ना, मरा तो मरा गधे का बच्चा, बस भी कीजिए ना। हम जानता हूँ गधा ही था, हमारे देश में ऐसे वैसे कई गधे स्वामी हैं। भूखे इंसान को अपनी जूठन भी ना देने वाले कई मूर्ख अपने पापों को दुनिया से छुपाने के लिए
उस भगवान के नाम पर बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं। जीवित माँ बाप को एक वक्त की रोटी भी न खिलाने वाले बच्चे उनके मरने के बाद तेरहवीं में श्राद्ध करके कई दीनार खर्च कर देते हैं। सही मार्ग छोड़कर गलत रास्ते की ओर चल पड़ा है मानो। रिश्ते नाते सब छोड़ के आई हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए स्वामी जी। मुझे जिसने ये मार्ग दिखाया तुम्हें भी वही रास्ता दिखाएंगे। रामानंद जी कहीं पर घूमते हुए भक्ति के मार्ग का प्रवचन करते होंगे, जाकर उनसे मिलो। आज्ञा दीजिए स्वामी। लोई लोई, साधु संत भूख से आए हैं, जल्दी से भोजन का प्रबंध करना होगा। कितने संत हैं? 10 संत हैं। इतने संतों के लिए एक दो के लिए अपना पेट काट कर खिला सकते हैं, लेकिन 10 संतों के लिए? प्रयत्न करो। घर में कुछ भी नहीं है। घर में कुछ क्यों रहेगा, दुकान में मिलेगा। कुछ भी गिरवी रख के ले आओ। शनि, आज फिर शनि लग गया। छी 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 छी, सुबह उठकर पता नहीं किसका मुंह देखा, एक भी अच्छा ग्राहक नहीं आया। मिल गया ग्राहक, मिल गया। ओह लोई है, बहुत दिनों की बात दर्शन दिए। सुना है फिर से अपने पति के पास आ गई हो, ऐसे पति का रहना नहीं रहना एक ही बात है। बैठो, मेरे पास भी ग्राहक नहीं है, दो बातें करेंगे। बातें करने नहीं आई हूं मैं, साधु संत आए हैं, भोजन कराना है, अनाज चाहिए। ठीक है, नगद देकर सब कुछ ले जाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। तो अपना रास्ता पकड़ो। नहीं नहीं, एक साड़ी बुन रही हूँ, कल तक पूरी हो जाएगी, अब पूरी होते ही आपको दे दूंगी। साड़ी? मैं क्या करूंगा, मेरी घरवाली मायके गई है। ठीक है, उसे बेचकर आपका उधार चुका दूंगी। तुम कुछ भी कहो, उधार तो नहीं दूंगा। तुम कुछ न कुछ दो तो दूंगा। क्या चाहिए? मुझे तुम आओगी? तुम जुबान देकर नहीं फिरोगी, मैं जानता हूं। तुम हां कर दो, मैं अनाज बांध के रखता हूं, दिन दहाड़े नहीं, रात के अंधेरे में। कुछ भी गिरवी रख के ले आओ लोई। रहने दीजिए स्वामी, रहने दीजिए, मैं उठाता हूं। लोई, साधु संतों को पेट भर के खिला दिया, अब उन्हें छोड़ आता हूं। सुनिए जी, बोलो क्या बात है। उस दुकानदार ने मुफ्त में अनाज नहीं दिया, शर्त रखी है। मुझे देख के खुश हो जाएगी लोई। Oh.
बुलाओ सेठ जी। आया। ये क्या हुआ? मेरे आंखों पर पर्दा आ गया। मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई देता? ठीक से देखो। ये क्या हो रहा है? श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, राम राम राम, हे भगवान, आप साधारण मानव नहीं हैं, पिता राम है। मुझे अकल आ गई। मुझे क्षमा करना बहन, मुझे क्षमा करना। आंखों से माया का पर्दा जब हटता है तो सच्चा दृश्य अपने आप दिखाई देता है। ना दिखाई देने वाला दृश्य जिन आंखों को दिखाई दे वो सच्ची आंखें। मुझे न घर चाहिए, न गृहस्थी, न व्यापार। आपके घर के आगे कुत्ते की तरह आपके पैरों की धूल बनकर पड़ा रहूंगा। नहीं, व्यापार मत छोड़ना। व्यापार करते रहो पर बर्ताव को बदल लो। सीधी तरह इन काफिरों से दोस्ती तोड़ोगे या फिर हम सब साथ मिलकर तेरा सर फोड़ देंगे? तुम्हें जैसा समझ में आए वैसा करो। मैं जाति धर्म नहीं मानता। मुझे जैसे जीना है मैं जीऊंगा। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? कितना घमंड है तुम्हें? मारो, मारो, मारो। रुको! ये कैसा अन्याय है? तुम लोग कैसे इंसान हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूखे को भोजन कराना गलत काम है क्या? भूख तो सिर्फ भूख है, इसका कोई जाति धर्म नहीं है। अपने बच्चों को भोजन न खिलाकर जो है सो वो अतिथियों को देकर उनकी संतुष्टि को अपनी संतुष्टि समझने वाले इस महान संत को मारने के लिए तुम्हारे हाथ कैसे उठे? जाओ, जाओ यहाँ से। हमें निकालने वाली तुम कौन होती हो? आज से हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे? जिन लोगों में मानवता नहीं ऐसे लोगों के बीच हम एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम्हारा हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। जाओ, जाओ यहाँ से। कल सुबह तक नहीं गए तो तुम्हारा घर जला देंगे। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, सब खुश रहो। चलो चलो। एक देवता से प्रेम की जा तू अपनी मुक्ति का मार्ग बना। उस एक देवता से प्रेम की जा तू अपनी मुक्ति का मार्ग बना। यूं बेजान केश तू ना भेंट चढ़ा, ये गया भी तो तेरा कुछ न गया। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है सवारता। राम 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 राम। अरे देख लड़की, आंखें बंद कर ले। तू भी बंद कर लेना। बहुत अच्छी है। राम 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 राम। ए लड़की, इधर आ। आना, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी शादी हो गई है? स्वामी जी, ये कौन सा जाप है? बगुला जाप है। मछलियों के लिए? तुझे क्या करना है, तू जाना। आप लोग तनिक कोई एक फैसला कर ले तो गुरुजी को बताओ ना। चाहे जितना भी जप ले माला, होगा कभी तेरा ना भला। चाहे जितना भी जप ले माला, होगा कभी तेरा ना
भला, मन तो फिरे तेरा चारों दिशा, मन तो फिरे तेरा चारों दिशा, तू जान न तुझको जाना कहाँ, तू जान न तुझको जाना कहाँ। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। सुन ले कबीर वार्ता, सुन ले कबीर वार्ता। अब्बा जान, वो पूछो बेटा, इंसान को मजहब की कहां तक जरूरत है? स्वयं को स्वयं पहचाने तब तक। अब्बा जान, मानव के पास कोई धर्म नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं है क्या? आम आदमी की इज्जत हो तो समझो धर्म की इज्जत हो गई। मानव को मानव की तरह न पहचानने वाले धर्म का रहना न रहना एक है। लेकिन अब्बा जान, क्या अभी खत्म नहीं हुए धर्म संदेह? पानी भर लाओ। अब्बा जान, हाँ? आप उठिए, बीने पर मैं बैठता हूँ। उठिए ना। इस आश्रम को देखने से लगता है कवि कालिदास के द्वारा वर्णित कण्व आश्रम की तरह है। सुनिए, हाँ? प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाथ बढ़ाइए। ए मदिका मनोज्ञा वल्कलेना पितंती। कवि कालिदास ने उसका कारण पहले ही चरण में बताया है। मलिन मपि हिमाम शो लक्ष्मा लक्ष्मीहीम तनोती। आश्चर्य की बात है, मतलब आपने भी अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा है। आश्चर्य कैसा? काशी में पली बड़ी हुई लड़की को काव्य अलंकार शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा क्या? आपके गुरु कौन है? हमारे ही पिता कबीर दास जी। हाँ? छी 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 छी, मैंने कितना गलत काम किया है। एक काफिर की लड़की के हाथ से पानी पिया, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। मन साफ हो तो प्रायश्चित जरूरी नहीं है, पानी निर्मल होता है। मन में मैल हो तो वो भी मैला दिखेगा बेटा। पता नहीं आप कौन है, पर आपको देखते ही लगता है हाथ जोड़कर नमस्कार करूं। तुमने जिसे काफिर कहा था वो मैं ही हूं। आप में काफिरता तो नहीं, स्वच्छता दिखाई देती है। वो प्रायश्चित? हमारा सद ब्राह्मण वंश है, प्रायश्चित मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे पिताजी के लिए है, मेरे रिश्तेदारों के लिए है। मैं काशी विद्यापीठ कुलपति, विद्वत परिषद सभापति महादेव भट्ट जी का बेटा हूं। मेरा नाम हरदेव भट्ट। मैंने अगर प्रायश्चित नहीं किया तो ब्राह्मण वंश उन्हें बाहर निकाल देगा। कौन है ब्राह्मण? तन पे धागा पहनने से अगर कोई ब्राह्मण हो जाता है तो ये गुड़ारी भी ब्राह्मण है, क्योंकि रस्सी हमेशा उस पर है। क्या तुम्हारी मां को यज्ञोपवीत है? क्या तुम्हारी दादी को यज्ञोपवीत है? यज्ञोपवीत ना होने से अगर कोई शूद्र जाति का हो जाए तो तुम्हारी माएं भी शूद्र हो गई ना। उन माओं से पैदा होने वाले तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? ब्रह्म ज्ञान पाने वाला ही ब्राह्मण है, ब्रह्मानंद ही ब्राह्मणता है। बेटी कमाली, शंकर भगवत पाद जी का श्लोक जरा इन्हें पढ़कर तो सुनाओ। यस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदिति नंदित्तेना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आहा, आपकी बातें सुनकर लगता है प्रायश्चित करना जरूरी नहीं है। हमारी बातें नहीं, अपने पिताजी की बातें सुनो। इधर जो हुआ जाकर उन्हें बताओ, जो वो कहें वो करो। उनसे विवाद करके
आपके दर्शन करने आऊंगा, परिणाम आकर बताऊंगा। आज्ञा दे। आइए आइए शेख तकी साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शेख साहब, क्या है इन गठियों में? दीनार बहापना। आपकी मंजूर की गई हज कश्तियां अब तक 12 सवारी कर चुकी हैं। एक एक सवारी पर हजारों हजारों दीनार का व्यापार हुआ है जहां पना। मुनाफा आपके खजाने में जमा कर रहे हैं। हमें क्या करना है? मजहब की तरक्की के लिए खर्च करें। आप भी तो मजहब की तरक्की कर रहे हैं। बड़े बड़े जिहाद किए, किलों पर कब्जा किया, काफिर शैतानों की इमारतें जमीन पर ले आए, मस्जिदें बनवा रहे हैं, धन को जोर शोर से फैला रहे हैं जहां पना। इन पैसों का इस्तेमाल आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। हम हुसैन शाह सुखी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बिजली खान साहब। जी हुजूर। चढ़ाई से पहले दिनार सिपाहियों में बांट दिया जाए। जो हुकुम। अगर चढ़ाई में जीत हुई तो मगर परगना का तुम्हें नवाब बनाएंगे। आपकी दया। शेख तकी साहब, आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। जी हाँ। जानते हैं क्यों? रास्ते में किन किन इमारतों को गिराना है, किन किन काफिरों को खत्म करना है, आप ही हमें बताएंगे। वो मेरा फर्ज है। आने वाली मुश्किलें क्या है लगता है तुमने नहीं सोचा है। सब सोचकर ही ये निर्णय लिया है। हर मुश्किल का धैर्य से सामना करूंगा। अच्छा, इस आश्रम के सदस्य बनना चाहते हो तो कुछ नियम है। जाकर धर्मदास से मिलो, सब बता देंगे। धन्य हो गया। सुनिए, धर्मदास जी कहां मिलेंगे? मैं ही हूं, कहो। हाँ, आप ही धर्मदास हैं? आप भी इतनी मेहनत करेंगे ये सोचा नहीं था। मेहनत करना आश्रम के नियमों में सबसे पहला है। लक्ष्य के लिए प्राण भी गए हैं। अपनी सोच को निर्भय होकर कह देना चाहिए। अरे हाँ, तुमने जो सोचा था अपने पिताजी को बताकर ही आए हो ना? हाँ, मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? गुरुजी ने बताया। गुरुजी नहीं तो मार्ग नहीं। इस आश्रम में प्रवेश लेना चाहते हो तो इन लकड़ियों को ले जाओ। स्वामी, दूसरी दीक्षा कुछ नहीं मिलेगी, दूसरों के काम आना ही उपदेश है। जाओ। सुनो, ये लकड़ियां कहाँ रखनी है? आप बताइए ना। ये भी पूछोगे क्या? वहां लकड़ियां हैं, वहीं रख दो। ठीक है। मुझे दो, मैं खिलाता हूँ। जी नहीं, आप खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, मैं ही खिलाती हूँ। कोई भी खिला सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? कमाली। बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम हरदेव भट्ट, मेरे पिता काशी विश्वविद्यालय। बस बस बस, कल बताया ना आपने? बताया तो था, लेकिन आपको याद है भी या नहीं? याद है, मगर मुझे काम करने नहीं दोगे क्या? आश्रम के नियम आप नहीं जानते? पता, धर्मदास जी ने बताया था, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मेरा नाम हरदेव भट्ट है, याद रखिएगा। आज लगाया गया ये छोटा पौधा एक दिन बड़ा वृक्ष होगा, आगे की पीढ़ी को मीठे फल देगा। देगा, देकर रहेगा। मगर अब्बा जान, आपके लगाए गए पौधे को जाली लगाना, पानी डालना, खाद डालना, जान से ज्यादा संभालना होगा, तो ये जिम्मेदारी इस आश्रम में सबकी जिम्मेदारी है। आश्रम के बड़े तो आप हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी तरफ से आपके बेटे के नाते मुझे भी बांट लेनी चाहिए।
हर काम के लिए मेरे अब्बा जान से पूछो, कहने पर कुछ लोग मेरी इज्जत नहीं करते। जिसमें अहम ना हो ये समाज उसी को इज्जत देता है जो जिम्मेदारियां नहीं। जा बेटा अपना काम देखो। आपके नाम से नया पंथ शुरू करना मेरा कबीर पंथ का कमाल दास ए खलीफा। अविवेक जितने पंथ हैं कम हैं क्या जो एक और नया पंथ, ऐसा कभी मत करना बेटा। तो फिर मेरा रास्ता मैं देख लूंगा। अम्मी जान मैं लेकर आता हूँ। अम्मी जान अब्बा जान के नाम से एक पंच शुरू करना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्या आप उनसे कहेंगी? उनकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, तुम भी कुछ मत कहना। यही तो फिर मेरा रास्ता मैं देख लूंगा बेटा। उन्होंने तो कहा मेरी मर्जी, क्या आपको भी खुशी होगी मेरे जाने से? मैंने कहा ना मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर सकती बेटा। जहाँ मेरी इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रहूंगा। गुरुजी। क्या बहन? मर्दों की तरह हम औरतें रीति रिवाज नहीं छोड़ सकती, कल जो गुजर गए उन्हें आज दूध डालना होगा लोई माता को। दूध डालोगे? ठीक है अब दो मैं लाता हूँ। गुरुजी वो गाय तो कब की सूख गई, उसे कैसे दोहेंगे? मुझे पता है, गुजरे हुए लोगों के लिए दूध सूखी गाय में से ही निकाला जाता है, बेमतलब के रिवाजों का कोई फायदा नहीं। गुरुजी गुरुजी चमत्कार हो गया, चमत्कार, गाय ने दूध दिया है ये देखिए। भ्रम, सब मन का भ्रम। मन मरे माया मरे मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे दिलाओ, न्याय दिलाओ, धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, न्याय 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 दिलाओ, न्याय दिलाओ। सलाम अलैकुम हुजूर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? भगवान को मानने वाले ब्राह्मण, अल्लाह को मानने वाले मुसलमान। हिंदू और मुसलमानों का साथ आना ताज्जुब की बात है, क्या चाहिए इन्हें? सुना तो रहे हैं अपनी परेशानी, न्याय दिलाओ, धर्म बचाओ। दिन के वक्त ये मशालें क्यों? दिन में ही गहरा अंधेरा नजर आ रहा है अन्नदाता। गहरे अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली मशाल ही है ना आलम पना। कौन सी मुसीबत आई है? काशी नगर में कबीर नाम का एक काफिर है हुजूर। वो एक धर्म में दूसरा धर्म मिला रहा है,
अपनी बेटी को हमारे ब्राह्मण सज्जन को देकर ब्याह करवा दिया प्रभु। शाबाश, उस ब्राह्मण सज्जन का इस्लाम को अपनाने के बाद ही निकाह हुआ ना? नहीं, कबीर इधर हमारे मजहब को उधर उनके मजहब को चढ़ाता है, धिक्कारता है हुजूर। जी हाँ प्रभु, उसे सजा देकर आपके धर्म को हमारे धर्म को न्याय दीजिए प्रभु। कबीर शेख वो आपका ही शागिर्द है ना? जी हाँ, उस शैतान के बच्चे को मरने से मैंने ही बचाया था, वो अब हमारे सिर पर कर बैठा है, किसी को नहीं पूछता। अगर इतने लोगों के गुस्से का कारण वही है तो उसका कुछ फैसला करना पड़ेगा। बिजली खान। जी हुजूर। वीर सिम्हा। आज्ञा। उस कबीर को कल सुबह तक मेरे सामने हाजिर करो। आप लोग घबराइए मत, कबीर दास को खत्म कर देंगे। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया। धर्मदास, इस बिना के धर्म की तरह हिंदू मुसलमान मिलकर रहते तो कितना अच्छा होता। कबीर दास कौन है? क्या तुम ही कबीर दास हो? लोग मुझे ऐसा ही बुलाते हैं। बादशाह का हुक्म है, कल सुबह होते ही तुम्हें डेरे पर आकर बादशाह के सामने पेश होना है। क्यों, आओगे ना? कल आना है। ठीक है, आऊंगा। चल। अब्बा जान, आप नहीं जाएंगे? अब्बा जान, गांव में बहुत हलचल मची हुई है। नवाब साहब पता नहीं क्या करेंगे, डर लगता है। किसी से डरना है तो उस भगवान से, किसी मानव से नहीं। आप लोग डरिए मत, चलिए। मौलवी साहब, अब ये मशाल क्यों है? वो कबीर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मशालें नहीं बुझेंगी। अच्छा, आज्ञा दीजिए प्रभु। उसे सुबह ही हाजिर करने के लिए कहा था, कहाँ है? क्षमा कीजिए प्रभु। सिकंदर, बुलाने से वो नहीं आएगा, उसे उठाकर जबरदस्ती लाना होगा हमें। बिजली खान। जी हुजूर। उसे पकड़कर बांधकर घोड़े से खींच कर ले आओ। जो हुक्म। मौलवी जी, कबीर आएगा क्या? आना पड़ेगा। राम, 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 राम। कबीर को बंदी बनाकर लाए हैं हुजूर। अच्छा, शेख साहब आइए। राम, राम, बादशाह हुजूर को इज्जत से सलाम करो। उस भगवान को छोड़कर मैं किसी और को नमस्कार नहीं करता। कबीर, पता है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? सब कुछ वो ऊपर वाला जानता है, कोई कुछ बताएगा नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा। इन्होंने तुम्हारे नाम से फरियाद की है। ओहो, वो लोग जीव हिंसा करने में दोनों बराबर हैं। बदमाश। ओके। सच हमेशा कड़वा होता है। मुजरिम, क्या तुम मुसलमान हो? नहीं। हिंदू हो? नहीं। फिर तुम्हारा मजहब? दो ही धर्म है क्या इस देश में? सभापति जी से पूछिएगा तो वो बताएंगे। हिंदू धर्म में विभिन्न विभिन्न जातियां, जातियों में उपजातियां, उपजातियों में विभाग, ऐसे कई 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 हैं। नहीं तो शेख तकी साहब से पूछिए, इस्लाम में कितनी शाखाएं हैं, सूफी सिद्धांत में कितने विभाग हैं। उनके बारे में बात करने का तुम्हें हक नहीं। शेख साहब, दरियाफ्त हम करेंगे। मुजरिम, शेख साहब से बिस्मिल्ला खाने हुई थी ना,
असलानुल हुस्ना याद है तुम्हें? अर रहमान रहीम, अल मालिक से शुरू होके अर रशीद हस्तापुर तक 99 दिव्य नाम मैंने बचपन में ही सीख लिए थे। काफिरों के भगवान का नाम क्यों लेते हो? जो दिव्य ज्योति मैं देखता हूँ उसे राम कहता हूँ, इसमें गलत क्या है? इंसान का कोई एक मजहब होना चाहिए, सब मजहबों में मेरा मजहब सबसे अच्छा है। सुना है तुम किसी नए मजहब की शुरुआत कर रहे हो? नहीं, सब धर्म की अच्छाइयों को मैं राम के नाम से बता रहा हूँ। क्या तुम्हें हमारे मजहब पर गर्व नहीं है? मेरा धर्म अच्छा है कहने वाला मूर्ख है। कबीर, शेख साहब, इसे सबके सामने कोड़े लगवाएं। बिजली खान। जी साहब। ए, ले जाओ इसे। अनंत करुणामय मेरा राम, जब तक मुझे बचाएगा मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी रो मत, बेटी अपने आप को संभालो, सबके लिए श्री रामचंद्र हैं, गुरुजी को कुछ नहीं होगा। रोको, क्या है? उसे कोड़ों से मारा गया, वो बेहोश हो गया हुजूर। सिकंदर, कोड़े से मारोगे तो वो समझेगा नहीं, उसे खत्म कर दो। अच्छा कर देंगे, उसे ले जाओ और पानी में डुबो दो। जी हुजूर। या उसे हाथी के पैरों तले रौंद डालो। जी हुजूर। बिजली खान, होना क्या है शेख साहब? उसे पानी में डुबोया, हाथी दौड़ाए, फिर भी नहीं मरता, कुछ जादू करके फिर वापस आ जाता है। बिजली खान। जी हुजूर। उसे ले जाओ और इसी वक्त आग में जलाओ, हम खुद वहां आकर देखेंगे। जो हुकुम। शेख साहब, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा कबीर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। तक तुम्हारे इस तेज को नहीं पहचान पाए हम, और जाहिलों की तरह पेश आए, मुझे माफ करना। कबीर बचाओ, मदद कर मेरे अल्लाह। कबीर
कबीर साहब, आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए इतने सारे जुल्म किए। मुझे माफ करो कबीर, मुझे माफ करो कबीर। सबको माफ करने के लिए ऊपर वाला है। कबीर साहब, आज से सभी मजहबों को समान रूप से देखूंगा। बहुत खुशी हुई। इस्लाम का मतलब शांति का धर्म। शांति के धर्म को शांति से ही चलने दो। सलाम अलैकुम कबीर साहब। अल्लाह हाफिज। हाथी पर सवारी कीजिए। मैं हाथी पर नहीं आया जो हाथी पर जाऊंगा। अरे भाई, मैं स्वयं ही चला जाता हूं। बेटा कबीर, मुझे माफ कर दे। मेरी मूर्खता की सही सजा दी तुमने, मेरी आंखें खोल दी तुमने। बेटा, आज से दूसरे धर्म से नफरत छोड़कर अपने धर्म की शान बढ़ाऊंगा। यही नहीं, दूसरे धर्मों का भी आदर कीजिए। अच्छा। बेटा। राम 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 राम। कबीर राम। आप कौन स्वामी? बहुत खूब, राम राम जपते हो और राम को ही भूल गए। मेरे राम का कोई रूप नहीं। जब रूप नहीं है तो राम क्यों जप रहे हो? रूप नहीं है तो नाम कैसे रहेगा? मेरा राम सर्व अंतर्यामी, हर जगह है, सब में है वो। मतलब राम हर मानव में है, ये मानते हो ना? मैं राम नाम की शक्ति को देख रहा हूं, राम व्यक्ति को नहीं। पगला कहीं का। कोई भी राम को पुकारेगा तो मैं ही आवाज दूंगा। इस संसार के लिए सिर्फ एक ही राम है। आपका निवास? मेरे भक्त जहां रहेंगे वही मेरा निवास है। तो क्या मेरे में भी? हाँ राम 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 राम। आप में से किसी को किसी तरह का भी संदेह हो तो पूछ सकते हो। संदेह क्या है पूछो। एक छोटी सी बात गुरुजी, आप कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है, फिर उसी भगवान को ये लोग अपनी इच्छा स्वरूप पूछते हैं, उनका का?
ओम ऐसा स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो। स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो, जिसका न कोई भी रूप हो, जिसका न कोई भी रूप हो, कर लो नमन उस ओंकार को। ओम ऐसा स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो। साधना जरा परमानंद नाम है भगवान का, कण कण में तेरे वो ही है बसा। परमानंद नाम है भगवान का, कण कण में तेरे वो ही है बसा। ओम ऐसा स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो। सबका भला तू ही शत्रु तेरा आज सबसे बड़ा, सत्कर्मों से तू इसे अब मिटा। तू ही शत्रु तेरा आज सबसे बड़ा, सत्कर्मों से तू इसे अब मिटा। ओम ऐसा स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो, जिसका न कोई भी रूप हो, जिसका न कोई भी रूप हो, कर लो नमन उस ओंकार को। ओम ऐसा स्वर है निराकार जो राम ऐसा नाम अंतर मन में जपो। राम 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 राम। कहाँ जा रहा हूं यही ना,
जहां जाना है वहीं पर बेटा। गुरुजी, जी हम मगर पहुंच गए, यहाँ रहने का ठिकाना। ये अमीन नदी है ना? जी हाँ। यहीं कहीं पर मेरे मित्र पीतांबर पीर की कुटिया होनी चाहिए। वो देखिए गुरुजी, बिल्कुल ठीक ठाक है, वही आखिरी मंजिल है। चलो चलो। सुनो वीर सिम्हा, बिजली खान अपने हथियार नीचे रख दो। अपने सिपाहियों से भी कहो बहन अमृता आश्रम वासियों को और सबको माँ की तरह देखना। धर्मदास जी अब इजाजत दें। सुनो बिजली खान, धर्म शांति के लिए ही काम करना। हरदेव, मेरे बाद आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी। सर्व मानव समानता के लिए ही हम मेहनत करना। तुम वीर सिम्हा, प्रजा को अपना बच्चा समझकर रक्षा करना, अपने पिता का नाम रोशन करना। भैया भैया अली, मैं जा रहा हूं। नंदू, मेरे भाव प्रचार के तुम ही प्रचारक हो। अच्छा,
अब आंसू मत बहाओ, कर्तव्य मत भूलना। बिजली खान जी, वीर सभा, सफेद कपड़ा चाहिए। जी जी। इस कपड़े को मेरे ऊपर डालकर तुम लोग जाओ, जाओ। राम। मेरा क्षेत्र है, हम ही उन्हें दफनाएंगे। मगर हमारे काशीराज में तुम्हें क्या अधिकार है? शव को लेकर आओ। बदमाश! अरे रुका, अरे कहाँ भैया, कहाँ कर रहे हो? अरे रुका भैया, अरे रुका। कबीर भैया का बात इतना जल्दी भूल गए आप लोग? कहाँ है ये मारपीट? फेंकिए तलवार। कबीर भैया,